आज दिनभर शेयर बाजार में कैसी रही हलचल? सेंसेक्स और निफ्टी का क्या रहा हाल? सोने चांदी का क्या रहा भाव? एनवीडिया के साथ रिलायंस का समझौता, अडानी की कक्ष कॉपर का ऑस्ट्रेलियाई बीएचपी के साथ डील, हॉटस्टार के हेड संजीव शिवानंदन ने दिया इस्तीफा। भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार 24 अक्टूबर को भी गिरावट देखने को मिली है। आज हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन के अंत में बीएससी सेंसेक्स 16.82 अंक की गिरावट के साथ 80,065.16 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं एनएससी निफ्टी 36.10 अंक गिरकर 24,399.40 के लेवल पर बंद हुआ। हालांकि आज बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर ने बड़ी गिरावट को रोकने में कामयाबी हासिल की। स्टॉक मार्केट में सुस्ती के पीछे मुख्य कारण पश्चिम एशियाई देशों में बढ़ता तनाव, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा शेयरों की बड़ी बिकवाली, चीन से सस्ते ब्याज पर लोन की उपलब्धता और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच बढ़ती राजनीतिक टक्कर मानी जा रही है। आज टॉप गेनर्स में अल्ट्राटेक सीमेंट, श्रीराम फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ग्रॉसिम, टाइटन, SBI और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर रहे। वहीं टॉप लूजर्स में हिंदुस्तान यूनिलीवर, SBI लाइफ इंश्योरेंस, हिंडालको, नेस्ले इंडिया, बजाज ऑटो, ITC, मारुति सुजुकी, एशियन पेंट्स, TCS, इंफोसिस, LNT, कोटक बैंक, SCL टेक और टेक महिंद्रा शामिल रहे। अब बात सराफा बाजार की। धनतेरस से पहले सोना चांदी दोनों ने आज रिकॉर्ड स्तर पर बढ़त बना ली है। घरेलू सराफा बाजार में आज गुरुवार 24 अक्टूबर को 24 कैरेट सोना 80,253 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि 22 कैरेट गोल्ड 73,583 रुपए के आसपास बिक रहा है। आज चांदी भी रिकॉर्ड हाई पर है। बुधवार को चांदी की कीमत 1,04,000 से 1,07,000 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास है। अब बात व्यापार जगत की कुछ अन्य खबरों की। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने आज एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि जुलाई सितंबर तिमाही में भारतीय कंपनियों की राजस्व वृद्धि वार्षिक आधार पर 5-7% रहने की उम्मीद है। ये पिछले 16 तिमाहियों में सबसे धीमी वृद्धि मानी जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार इस मंदी का मुख्य कारण कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में स्थिरता है, जो भारत के कुल राजस्व का 20% है। क्रिसिल ने इंडस्ट्रियल कमोडिटीज के क्षेत्र में गिरावट और निवेश से जुड़े क्षेत्रों में धीमी वृद्धि को भी इस मंदी के महत्वपूर्ण कारणों में शामिल किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडस्ट्रियल कमोडिटीज, निवेश और निर्माण के क्षेत्र का राजस्व केवल 1% बढ़ा है, जिससे समग्र प्रदर्शन प्रभावित हुआ। इस एनालिसिस में शामिल 435 कंपनियों ने अप्रैल जून तिमाही में 8.3% की वृद्धि दर्ज की थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि बिजली क्षेत्र, जो निवेश का लगभग 70% है, सामान्य मानसून के कारण केवल 1% बढ़ा। कंस्ट्रक्शन से जुड़े क्षेत्रों में सस्ते चाइनीज सामान की इंपोर्ट होने के कारण स्टील की बिक्री में 2-3% की कमी आई है। हालांकि क्रिसिल ने यह भी भविष्यवाणी की है कि भारत की कंपनियों के लाभ में सुधार होगा और EBITDA मार्जिन में 70-90 आधार अंक की वृद्धि का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि निर्यात क्षेत्र में करीब 5% की वृद्धि हुई है, जिसमें फार्मास्यूटिकल क्षेत्र ने मजबूती से प्रदर्शन करते हुए 11% की राजस्व वृद्धि दर्ज की है। इसके अलावा मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अमेरिकी कंपनी एनवीडिया ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और नवाचार केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है। ये घोषणा मुंबई में आयोजित एनवीडिया AI समिट 2024 के दौरान हुई, जहां एनवीडिया के CEO जेनसन हुआंग ने मुकेश अंबानी के साथ बातचीत में इस पहल की जानकारी दी। एनवीडिया के CEO ने कहा कि ये साझेदारी भारत में AI बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में मदद करेगी, जिससे रिलायंस का नया डेटा सेंटर एनवीडिया के नवीनतम ब्लैकवेल AI चिप का उपयोग करेगा। मुकेश अंबानी ने बताया कि जियो अब दुनिया की सबसे बड़ी डेटा कंपनी बन चुकी है। समिट के दौरान मुकेश अंबानी और जेनसन हुआंग ने AI में भारत की भूमिका और संभावनाओं पर चर्चा की। एनवीडिया के प्रमुख ने कहा कि इस सहयोग से उपभोक्ताओं के लिए नए एप्लीकेशन भी विकसित किए जाएंगे। एनवीडिया की पहले से ही भारत में 6 स्थानों पर मौजूदगी है और इस साझेदारी में भारत में चिप डिजाइनिंग में और प्रगति होने की उम्मीद है। वहीं खबर है कि गौतम अडानी की कक्ष कॉपर कंपनी की ऑस्ट्रेलियाई माइनिंग कंपनी BHP के साथ तांबे की बड़ी सप्लाई डील पर बातचीत कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये डील प्रतिवर्ष 1.6 मिलियन टन तांबे की सप्लाई से जुड़ी हो सकती है, जिसकी संभावित कीमत लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष है। हालांकि तांबे की कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण ये राशि बदल भी सकती है।
लंदन मेटल एक्सचेंज पर नवंबर तक तांबे की कीमतें लगभग $9,474 प्रति टन रहने की संभावना है और अनुमान है कि अगले 3 महीनों में ये बढ़कर $9,715 प्रति टन तक पहुंच सकती हैं, जबकि दिसंबर 2025 तक ये $10,000 प्रति टन से ऊपर जा सकती हैं। अडानी एंटरप्राइजेस की सहायक कंपनी कक्ष कॉपर ने हाल ही में मुद्रा में अपनी तांबा रिफाइनरी प्रोजेक्ट की पहली यूनिट शुरू की है, जिसमें लगभग $1.2 बिलियन का निवेश किया गया है। ये परियोजना 0.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता वाला तांबा स्मेल्टर स्थापित करेगी और दूसरे चरण में इसकी क्षमता 1 मिलियन टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाने की योजना है। ये प्रोजेक्ट पूरा होने पर दुनिया का सबसे बड़ा धातु गलाने वाला तांबा स्मेल्टर होगा। वहीं डिज्नी की भारतीय स्ट्रीमिंग सर्विस हॉटस्टार के हेड संजीव शिवानंदन ने रिलायंस के साथ विलय के बाद हॉटस्टार के हेड के पद से इस्तीफा दे दिया है। यह कदम तब सामने आया है जब दोनों कंपनियों के बीच व्यापारिक एकीकरण की प्रक्रिया तेज हो रही है। संजीव शिवानंदन का इस्तीफा उस निर्णय के कुछ ही दिन बाद आया जिसमें कहा गया था कि रिलायंस डिज्नी के $8.5 अरब की विलय के बाद सभी लाइव स्पोर्टिंग इवेंट जैसे कि इंडियन प्रीमियर लीग डिज्नी के हॉटस्टार ऐप पर स्ट्रीम किए जाएंगे, न कि रिलायंस के जियो सिनेमा पर। भारतीय स्ट्रीमिंग सर्विस हॉटस्टार के हेड के तौर पर संजीव शिवानंदन ने हॉटस्टार में 2 साल से अधिक समय बिताया, जबकि इससे पहले वे 15 साल तक गूगल में कार्यरत रहे।